अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मलिक यूसुफ, वेलकम टू वेव्स डायरेक्ट। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विंसी पोर्ट्रेट। बहुत लाइट वेट है, इजी टू कैरी है और बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में है। सबसे पहले हम इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या है, देन आगे इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके बॉक्स में, इसकी जो मैक्स पावर है, जो इसकी वोल्टेज है, आउटपुट है, वो 15 वॉट्स की है। इसकी जो बैटरी एमएच है 800 इसकी एमएच बैटरी है और इसमें जेन चिप इंस्टॉल्ड है, जो इसके बैक पे भी लिखा हुआ है, और एयर फ्लो एडजस्टेबल है। देन इसके जो बॉक्स में चीज़ें आती हैं वो है विंसी पॉड है एक इसमें, फिर इसमें कार्ट्रिज है 0.8 की इसमें कार्ट्रिज है, फिर इसमें सी टाइप केबल है एक और यूज़र मैनुअल है। अब हम बॉक्स को ओपन करते हैं, बहुत ही प्यारी बॉक्स की फिनिशिंग की हुई है। को प्रॉपर पैक किया गया है। इसका टॉप ओपन है, बहुत ही इसमें जो है अट्रैक्टिव कलर है विंसी का, रेड कलर में डिवाइस है और बहुत ही प्यारी इसमें फिनिशिंग हुई भी है, लाइंस इसकी साइड्स, और इसमें एयर फ्लो एडजस्टर भी है। बहुत लाइट सा लाइट वेट डिवाइस है, बिल्कुल लाइट वेट। इसमें 0.8 ओम्स का जो है वो फिल्टर इंस्टॉल्ड है पहले से, और इसके जो है जो साइड फिल है उस पर मैंशन है 0.8 वॉट। इजी टू ओपन है ये, और ये देखें ये इसका साइड फिल है। बॉक्स में जो चीज़ें हमें अवेलेबल हैं वो हम देख लेते हैं। यूज़र मैनुअल बुक है इसमें, ठीक है, जो इसमें सब जो इसकी स्पेसिफिकेशन है डिवाइस की वो इसमें लिखी हुई है, और इसके साथ हमें मिलती है चार्जिंग केबल इसकी सी टाइप, और इसका एक्स्ट्रा पॉड जो है वो नहीं है, इसमें जस्ट एक ही पॉड आता है 0.8 का जो है। इसकी जो पॉड लाइफ है वो दूसरे जो पॉड्स हैं उनसे काफ़ी बेटर है, क्योंकि इसमें एक ही पॉड आता है। तो लेट्स ट्राई, हम इसको यूज़ करके चेक करते हैं। इसमें हम डालेंगे नेक्सस पॉट सॉल्ट की सीरीज़ है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, विदाउट राइस फ्लेवर्स हैं और बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर्स हैं इसमें। इसमें हम ट्राई करेंगे नेक्सस का है ये सिट्रस मिक्स, जो फ्लेवर है इसका वो है रास्पबेरी ग्रेपफ्रूट। ईजी टू फिल है बिल्कुल, कोई इसमें जो है वो ना आपको टॉप इसका ओपन करना पड़ता है, इसके साथ जो है वो रबर फिट है ये। 70% आपने इसका पॉट फिल करना है, और जब भी आप फर्स्ट टाइम अपना पॉट फिल करेंगे आपने जो है कम से कम 5 मिनट वेट करना है, ताकि इसके अंदर जो कॉटन है वो प्राइम हो जाए। अगर आप एकदम पफ लेंगे, कॉटन प्राइम नहीं होगी, तो आपका जो पॉट है वो बर्न हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम पॉट फिल करें, जब इसकी कॉटन बिल्कुल ड्राई हो, तब आपने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना, ठीक है, ताकि ये प्राइम हो जाए। इससे आपकी पॉट लाइफ भी अच्छी होती है और आपको पफ भी ईजी आता है। जब तक हमारा पॉट जो है वो प्राइम होता है, तब तक हम जो है वो डिवाइस को देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पर्सनली मुझे जो इसका कलर है वो बहुत पसंद आया। इसमें आपको जो है 6 to 7 जो कलर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे अवेलेबल, बहुत ही लाइट वेट है। देखें इसकी ग्रिप कैसी है, ये बिल्कुल लाइट, इसकी जो साइड फिनिशिंग है ब्लेंड है, बिल्कुल ईजी टू कैरी है ये, ठीक है। आप इसको पॉकेट में रख सकते हैं ईजी, इसका कोई साइज़ का कोई इतना इशू नहीं है। अब आई थिंक हमारा पॉट जो है वो प्राइम हो चुका हुआ है, तो इसमें इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप इसमें पॉट इंसर्ट करेंगे, तो आप ये है कि जिन चिप यहाँ पे, यहाँ इसका मेंशन है, वहाँ पे आपकी लाइट ब्लिंक होगी,
ठीक है। और इसमें जो है वो थ्री जो है टाइप्स की लाइट होती हैं, ग्रीन होती है, ब्लू होती है और रेड होती है। ग्रीन जो होती है वो बताती है कि आपकी जो डिवाइस की चार्जिंग है वो मैक्सिमम है, ब्लू में जो है वो नॉर्मल है आपकी बैटरी लाइफ, और जब रेड होती है तो मतलब मिनिमम है। उसके बाद हम ट्राई करेंगे इसका स्मोक, इसके फ्लेवर को टेस्ट करेंगे। बहुत ही लाइट स्मूथ है इसका पफ, और फ्लेवर का टेस्ट मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा। देखिए जब मैं पफ ले रहा हूँ तो जो जीन चिप है यहाँ पे देखें वो ब्लिंक होगी। बहुत ही लाइट पफ है, स्मूथ पफ है, फ्लेवर का टेस्ट प्रॉपर आ रहा है। 0.8 की जो इसमें कॉइल है वो आपको बिल्कुल स्मूथ पफ देगी। अब अगर इसका मैं जो एयर फ्लो है वो टाइट कर देता हूँ तो अब मुझे हार्ड पफ आएगा। बेसिकली जो हार्ड पफ होता है वो हाई निकोटीन के लिए यूज़ किया जाता है ताकि उसका पफ स्मॉल हो और हिट प्रॉपर है, ठीक है। इसमें विंसी का जो पॉड आता है 1.2 का, ठीक है, उसको भी आप इनमें इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी भी ऑप्शन है। इसके बॉक्स में नहीं आता लेकिन स्पेयर मिल जाता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें, और हार्ड हिट इसमें आप ले सकते हैं। अब इसका मैं अगर एयर फ्लो थोड़ा सा टाइट कर लूँ तो मुझे 0.8 में भी हार्ड पफ आएगा। अब मुझे जो पफ आ रहा है वो हार्ड आ रहा है क्योंकि मैंने इसका एयर फ्लो जो है वो टाइट कर दिया। अगर मैं इसका एयर फ्लो लाइट करूँ तो मैं अब लॉन्ग पफ भी ले सकता हूँ उसमें। तो ये था आज का हमारा विंसी पॉड किट का रिव्यू। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। दिस इज़ मलिक यूसुफ फ्रॉम वेव्स डायरेक्ट। अल्लाह हाफिज़।